हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। मैं नेहा पांडे। तो अभी तक आपको मतलब किस तरीके से नोमेनक्लेचर करना है सारे ग्रुप के मैंने बता दिए हैं आपको ऑलमोस्ट, और किस तरीके से मिक्सिंग वाले ग्रुप या सिर्फ एक ग्रुप वाले भी फिनॉल के, इस तरीके से मैंने आपको बता दिए। कुछ कभी कभी पेपर में आते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन नोमेनक्लेचर। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन नोमेनक्लेचर जो है, इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं कि जैसे मान लिया कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ लाइन बना के दे दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया दे दिया गया है, ये एग्जांपल दे दिया गया है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप लाइन बनी है, तो यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये होता है कि ये बॉन्ड है, और जितने यहाँ पे कॉर्नर दिख रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे कार्बन एटम प्रेजेंट है, यानी कि एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे और एक कार्बन यहाँ पे, और ये एक ही लाइन दिख रही है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है। तो सिंपली इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन, क्योंकि तीन कार्बन एटम की चेन को बोलते हैं हम प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल आते हैं पेपर में कि वो सिर्फ लाइन बना के दे दी जाती है, साथ में कुछ ग्रुप्स लगे रहते हैं, तो उनका नामकरण करना रहता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लिया दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो काउंटिंग कर लेनी है कि कितने कॉर्नर यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है और सेवन है। तो सेवन कॉर्नर है, यानी कि सिंपली यहाँ पे और कोई ग्रुप भी नहीं लगा हुआ है, कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये, और सारे ही यहाँ पे देख रहे हैं एक ही लाइन वाले हैं, तो इसका मतलब सीधे सीधे ये क्या हो गया कि ये हेप्टेन है, क्योंकि सेवन कार्बन एटम की चेन को हम हेप्टेन बोलते हैं। अगर दिया हुआ है कोई स्ट्रक्चर, इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ देख रहे हैं कि आप चारों कॉर्नर पे मतलब कार्बन एटम, ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि साइक्लो प्रोपेन साइक्लो ब्यूटेन, मतलब चार कार्बन एटम की का साइकिल बना हुआ है, यानी कि वो नाम के आगे साइक्लो लग जाता है। तो साइक्लो प्रोपेन यानी कि ट्रायंगल वाला चार वाला है, तो ये साइक्लो प्रो साइक्लो ब्यूटेन हो गया, पाँच वाला होगा तो साइक्लो पेंटेन हो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि साइक्लो ब्यूटेन है और साथ में एक ग्रुप और लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई ग्रुप का नाम नहीं लिखा हुआ है, यानी कि सिंपली यहाँ पे एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है और एक ही दिखाई दे रहा है आपको लाइन, तो इसका मतलब एक एल्काइल ग्रुप यानी कि एक कार्बन एटम की चेन वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जिस जिस जगह से ग्रुप लगा हुआ है वहीं से इसकी नंबरिंग करेंगे, वन टू थ्री फोर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, वन मिथाइल, क्योंकि साइक्लो ब्यूटेन साइक्लो ब्यूटेन नाम हो जाएगा। इसी तरीके से मान लिया एग्जांपल दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन बना हुआ है और साइक्लोप्रोपेन के साथ में अल्कोहल लगा हुआ है, तो सीधे सीधे इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्कोहल लगा हुआ है और प्रोपेन के साथ में, तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, और वो भी क्योंकि ट्राइंगल बना हुआ है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इसलिए इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेनॉल, साइक्लोप्रोपेनॉल। इसी तरीके से मान लिया एग्जाम्पल दिया हुआ है, ओ एच है, दो एच लगे हुए हैं, तो ये भी क्योंकि अल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, मतलब जिधर से अल्कोहल पास पड़ रहा होगा, तो वन टू थ्री, तो इसका जब हम नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि ये क्योंकि साइक्लिक स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो साइक्लो प्रोपेन वन कॉमा टू, क्योंकि दो पोजीशन पे लगा हुआ है, डाई ऑल नाम हो जाएगा। ऐसे ही अगर दिया हुआ है एग्जांपल, यहाँ देख रहे हैं आपकी दो जगह दो दो लाइन बनी हुई है, यानी कि ये डबल बॉन्ड को शो करता है, डबल बॉन्ड को शो करता है, तो यहाँ पे हम नंबरिंग किस तरीके से करेंगे कि जिधर डबल बॉन्ड पास में पड़ रहा होगा, इधर से करेंगे तो ये दूर पड़ेगा, इधर से करेंगे तो ये पास पड़ेगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव। तो पेपर में जब भी आते हैं तो सिर्फ वो लाइन बन के आ जाती हैं, तो आपको वही लाइंस के हिसाब से ही काउंट करना है कि कहाँ
कार्बन है कहाँ, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, कहाँ डबल बॉन्ड है कहाँ पे, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ये काउंट कर लिया, तो यानी कि ये क्या है, पांच कार्बन एटम की चेन है, तो इसलिए सबसे पहले क्या लिख देना है, पेंट। और जिस जिस पोजीशन पर लगा हुआ है डबल बॉन्ड, तो पहली पोजीशन पे लगा हुआ है और तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है, तो उन पोजीशन को लिखेंगे, 1, 3, 1, 3, दो इन लगे हुए हैं तो डाई इन, इस तरीके से इसका नाम हो जाएगा। और ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिस कॉर्नर पे कुछ नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब कि वहाँ पे कार्बन है, तो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, और कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन लगा होता है तो वो कहलाता है कीटोन ग्रुप, तो इसका मतलब यहाँ पे लगा हुआ है कीटोन ग्रुप। और तीन कार्बन एटम की चेन है, 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2-ओन, या फिर हम इसको प्रोपेनोन भी लिख सकते हैं, प्रोपेनोन। ऐसे ही दिया हुआ है अगर कोई एग्जांपल, ये दिया हुआ है, तो एक लाइन का मतलब ये एल्काइल ग्रुप है। अगर मान लिया एक और लाइन लगी होती कि यहाँ पे भी मान लिया दिया हुआ है, तो ये दो एल्काइल ग्रुप लग गए हैं, और वो भी सिर्फ एक एक लाइन के, यानी कि ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो किस तरीके से, सबसे पहले पोजीशन लिख लेंगे, 2, 4, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो डाई मिथाइल, सात कार्बन एटम की चेन है इसलिए हेप्टेन इनका नाम हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ लगा हुआ है OH ग्रुप, यहाँ लगा हुआ है OH ग्रुप, तो क्या करना है कि पहले तो इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से करेंगे, बात वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 कार्बन की चेन हो गई है और तीन जगह लगा हुआ है एल्कोहल, तो सबसे पहले क्या करना है कि पेरेंट का नाम लिख लेना है, हेप्टेन, लास्ट की ई नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे एल्कोहल ग्रुप लगा हुआ है, 2, 4, 6, तीन एल्कोहल लगे हुए हैं इसलिए ट्राई ऑल इनका नाम हो जाएगा। और भी एग्जांपल बता देते हैं साथ में, इस एग्जांपल में देख रहे हैं एक जगह डबल बॉन्ड है और एक जगह ट्रिपल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं और ट्रिपल बॉन्ड को सेकेंडरी रखते हैं, तो हम क्या करेंगे, इधर से नंबरिंग करेंगे इसकी, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या है ये, पांच कार्बन एटम की चेन है, तो सबसे पहले पेंट 1-ईन, और तीसरी पोजीशन पे लगा हुआ है आयन 3-आयन, तो आपको ये पहचानना है कि जहाँ पे दो लाइन दिख रही है यानी कि डबल बॉन्ड, जहाँ पे थ्री लाइन दिख रही है यानी कि ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही अगर दिया हुआ है कोई एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या है ये, यानी कि हर कॉर्नर पे तो कार्बन है, तो कार्बन के साथ में जब ऑक्सीजन लगा हुआ है तो यानी कि ये क्या हो गया, कीटोन ग्रुप है, तो कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी यही है कि नंबरिंग किधर से भी करें बात वही है, 1, 2, 3, 4, 5, तो दो कीटोन ग्रुप लगे हुए हैं इसलिए पेंटेन 2,4, दो के लिए डाई और कीटोन ग्रुप के लिए नाम लिखते हैं ओन लिखते हैं। जो साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोप्रोपेन के साथ में तीन क्लोरीन लगे हुए हैं, तीनों पोजीशन पे क्लोरो लगे हुए हैं, तो 1, 2, 3, तो इनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले तीनों पोजीशन लिखेंगे, 1, 2, 3, तीन लगे हुए हैं तो ट्राई क्लोरो, और नाम है इसका क्योंकि ट्रायंगल बना हुआ है, साइक्लो प्रोपेन नाम हो जाएगा इसका।
ऐसे ही अगर दिया हुआ है कोई एग्जाम्पल, तो यहाँ पे देख रहे हैं साइक्लोहेक्सेन बना हुआ है और तीनों में लगा हुआ है ब्रोमो। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इधर से भी करते तो भी वही नंबरिंग आती। तो न किस किस पोजीशन पे लगा हुआ है, 1, 3, 5, तीन लगे हुए हैं, तो ट्राई ब्रोमो और साइक्लोहेक्सेन है, तो साइक्लोहेक्सेन लिख देंगे। एक एग्जांपल और बता देती हूँ, तो ये वाली तो हो गई कार्बन चेन, और हर कार्बन चेन के इसमें जो है OH ग्रुप लगे हुए हैं, एल्कोहल ग्रुप लगे हुए हैं। तो नंबरिंग वैसे इसमें भी अगर जिधर से भी करेंगे सेम वही नंबरिंग आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कार्बन एटम की चेन है, तो 6 के लिए हेक्सेन, और जिस जिस पोजीशन पे एल्कोहल लगे हुए हैं, तो 2, 3, 4, 5, सॉरी ये 6 नहीं 7 की है, 5, 6 एंड 7। तो यहाँ पे हेक्सेन की जगह पे हमें लिखना है हेप्टेन, हेप्टेन लिखना है, हेप्टेन 2, 3, 4, 5, 6। 4 कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 एल्कोहल लगे हुए हैं, तो पेंटा ऑल नाम हो जाएगा इनका। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि कोई भी ग्रुप लगा हुआ है लाइन में, अगर उसमें ग्रुप पहचान में आ जाते हैं कि यहाँ पे जहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन को बस हम लाइन से डिनोट कर देते हैं, कॉर्नर से डिनोट कर देते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा है, यानी कि ये कीटोन लगा हुआ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा ग्रुप लगा हुआ है। जैसे ये एक लाइन लगी हुई है तो मिथाइल ग्रुप है, अगर डबल लाइन होगी तो यानी कि इथाइल ग्रुप है। इथाइल का भी एक एग्जांपल बता देती हूँ साथ में, कि अगर मान लिया कोई एग्जांपल दिया हुआ है तो इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक के बाद एक कॉर्नर और जुड़ गया है, तो यानी कि ये दो दो कार्बन एटम की साइड चेन हो गई। तो यहाँ पे पहले देख लेना है कि कौन सी लॉन्गेस्ट चेन है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यानी कि लॉन्गेस्ट चेन सिर्फ यही है, और ये बीचों बीच में लगा हुआ है। तो नंबरिंग हम किधर से भी करें बात वही है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि दो कॉर्नर वाला, यानी कि यहाँ पे दो जगह कॉर्नर दिख रहे हैं आपको, तो इस वजह से क्या हो गया, यानी कि ये दो कॉर्नर वाला है, यानी कि दो कार्बन की साइड चेन है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, जिस पोजीशन पे लगा हुआ है तो 4-इथाइल हो जाएगा, क्योंकि दो कार्बन की साइड चेन हो गई, तो 4-इथाइल, यानी कि सिर्फ एक कार्बन की चेन होती तो ये मिथाइल हो जाता, दो कार्बन की चेन है तो इसलिए इथाइल है, तीन कार्बन की चेन होती तो प्रोपाइल हो जाता, तो 4-इथाइल, और लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 7 कार्बन एटम की है, तो इसलिए हेप्टेन नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड लाइन नोटेशन नोमेनक्लेचर ये बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें जो है बॉन्ड लाइन शो करके कि इनका नामकरण करना होता है, सिर्फ बॉन्ड बने हुए होते हैं, बाकी का उन जो नाम होते हैं, मतलब कार्बन चेन नहीं बनी हुई होती, तो इस तरीके से आ जाते हैं, तो आप उनका नामकरण जो है इस तरीके से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।